17वें लोकसभा चुनाव में जिन प्रमुख सीटों पर लोगों की निगाहें टिकी थी उनमें एक बड़ा नाम मध्य प्रदेश की भोपाल सीट का था। वैसे तो ये सीट हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के खड़े होने से मामला दिलचस्प हो गया था। बीजेपी की तरफ से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर यहां से खड़ी थी, लेकिन आखिरकार साध्वी ने इस सीट पर हाहाकारी जीत हासिल की है और इस जीत की तीन कहानियों की चर्चा फिलहाल भोपाल के सियासी गलियारों में खूब हो रही है। पहली कहानी, रिजेक्ट हुआ भगवा आतंकवाद का टैग। बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल सीट से एक खास रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतारा था। इस सीट से कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे थे। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने भगवा आतंकवाद शब्द को लेकर बीजेपी और आरएसएस को खूब घेरा था। ऐसे में मालेगांव बम धमाके मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा को यहां से उतारने के पीछे भगवा आतंकवाद के आरोपों का जवाब माना गया। बीजेपी इसे भुनाने में कामयाब भी रही, क्योंकि जिस तरह से साध्वी की वहां से हाहाकारी जीत हुई है उससे ये साफ है कि भोपाल की जनता ने भगवा आतंकवाद के टैग को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। साध्वी की जीत की दूसरी कहानी, मोदी 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 और सिर्फ मोदी की गूंज। जी हाँ, साध्वी प्रज्ञा को टिकट मिलते ही दिग्विजय सिंह ने भी खुद को बड़ा हिंदुवादी नेता साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। दिग्विजय सिंह ने भी साधु संतों से यज्ञ और हठयोग तक कराया। दिग्गी राजा की रैलियों में जय श्री राम के नारे भी लगने लगे। इनके अलावा वहाँ प्रज्ञा ठाकुर भी बीच में विवादों में घिरी और उनका नाम गोडसे प्रकरण की वजह से काफी बदनाम भी हुआ। जीत का मसला आखिरी वक्त में काफी फंस चुका था, लेकिन अंत में चला तो सिर्फ मोदी मोदी और मोदी का ही जादू। और अब सुनिए कि भोपाल के गलियारों में इस वक्त साध्वी की जीत के बाद तीसरी कहानी क्या चल रही है। तीसरी कहानी है, क्या साध्वी प्रज्ञा जीत के बाद सांसद रहेंगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने का मसला अभी शांत नहीं हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो साध्वी प्रज्ञा से उस समय ही खासा नाराज हो चुके थे। मोदी ने तो यहां तक कह दिया था कि वो साध्वी को कभी दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा एक तकनीकी कारण और भी है। बीजेपी ने साध्वी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब आने पर अनुशासन समिति कार्रवाई करेगी। अब भोपाल की सीट जीतने के बाद अनुशासन समिति का फैसला आएगा। ऐसे में क्या पार्टी के अनुशासन समिति साध्वी प्रज्ञा से वहां से इस्तीफा देने को कहेगी, या फिर साध्वी प्रज्ञा को पार्टी माफ कर देगी और साध्वी पूरे जोशो खरोश के साथ संसद में जाकर बैठेंगी? इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।